हेलो बेटा, आप आ गई? कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? ये लो पानी पी लो, बाहर बहुत गर्मी है ना? हाँ मम्मी, बाहर बहुत गर्मी है। बेटा मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। मैंने दुकान वाली आंटी को फोन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये आपको लिस्ट दे रही हूँ। उन्होंने सामान पैक करके रखा होगा। मुझे कुछ काम करना है बेटा, तो आप जा करके 2 मिनट में साइकिल ले जाओ और ये सामान मुझे ला करके दे दो। मम्मी मैं ना बहुत थकी हुई हूँ, मेरे को ना बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और मेरा कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। बेटा मैंने तो सुबह आपको नाश्ता दिया था और वो नाश्ता भी आप ऐसे ही छोड़ दिए है ना, और मैंने आपको स्कूल के लिए टिफिन दिया था, क्या आपने वो भी लंच नहीं किया? मम्मी मैं ना डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई थी, इसलिए मैं लंच नहीं कर पाई। बेटा मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि हमें सही समय पर भोजन करना चाहिए और सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। मम्मी भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? बेटा भोज्य पदार्थ वो सभी पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, सभी वस्तुएं जो खाने योग्य हैं, जैसे फल, सब्जी, दालें, दूध, शहद, अनाज, ये सभी चीजें खाने के लायक है ना, तो ये सभी चीजें भोज्य पदार्थ होती हैं और इन्हें खा करके हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा यानी कि ताकत मिलती है और ये भोजन कहलाता है। मम्मी ये भोजन हमारे पास आता कहाँ से है? बेटा ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हमारी धरती पर मुख्यतः हरे पेड़ पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, उन्हें भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। मम्मी ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप क्या होते हैं? मतलब जिन्हें या तो सीधे सीधे हम पेड़ पौधों से भोजन ले लें, जैसे फल, सब्जी, अनाज वगैरह, या फिर जैसे बकरी है, उसने पेड़ों को खाया और उस बकरी को मार करके शेर खा गया, तो यह अप्रत्यक्ष रूप हो गया। खाना लगा दो। मम्मी आपने खाने में क्या क्या बनाया है? बेटा मैंने बनाया है दाल, चावल, सब्जी, रोटी और आपका फेवरेट बूंदी का रायता। लेकिन मम्मी मेरा ना एक साथ बिल्कुल खाने का मन नहीं है, आप मेरे लिए मैगी, पास्ता या बर्गर बना दो। बेटा मैंने आपको कितनी बार मना किया है, हमें हमेशा सही समय पर उचित पोषक तत्व वाला ही भोजन करना चाहिए। मम्मी ये पोषक तत्व क्या होते हैं? बेटा ये जो पोषक तत्व होते हैं, जो दैनिक जीवन में हम भोजन करते हैं, उनमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो हम भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। मम्मी भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं? अरे बेटा भोजन के सभी कार्य तो तुमने आकर के बैठते ही बता दिए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार और बता देती हूँ। बेटा भोजन जो है वो हमें कार्य करने की ताकत यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो आपको आज कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बची है। जब आप भोजन करोगे तो वह ऊर्जा आपको वापस मिल जाएगी। दूसरा, आपने कुछ नहीं खाया था तो आपको बहुत तेज भूख भी तो लगी थी ना, तो भोजन हमारी भूख को भी शांत करता है। अच्छा तुम्हें याद है जब एक बार मैंने व्रत रखा था है ना, और सुबह से कुछ नहीं खाया था तो शाम को मेरे हाथ पांव भी ठंडे पड़ गए थे। तो भोजन जो है वो हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो भोजन जो है वो बीमारियों से और रोगों से भी हमारी सुरक्षा करता है। और जब हम अच्छा खाएंगे तो हम अच्छे दिखेंगे भी। तो भोजन हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे शरीर के अंदर जो टूटे फूटे ऊतक है उनकी मरम्मत भी करता है। मम्मी भोजन आता कहाँ से है? यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हाँ मम्मी। तो बच्चे भोजन के 2 मुख्य स्रोत हैं, एक तो है पादप उत्पाद और दूसरा है जंतु उत्पाद। मम्मी पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद क्या होता है? बेटा वो सभी खाने की वस्तुएं जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, है ना, या फिर खेती करके किसान उगाता है, जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, तेल, मसाले और पेय पदार्थ जैसे चाय या कॉफी। तो ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं?
पेड़ पौधों से मिलती है। तो ये सभी पादप उत्पाद हैं, और वो सभी चीजें जो कि हमें जंतुओं से मिलती हैं, जैसे दूध, शहद, अंडा, मांस और मछली, ये सभी हमें खाने की चीजें कहाँ से मिलती हैं? जंतुओं से, है ना। तो ये सभी हैं जंतु उत्पाद। तो आन्या बेटा, अब आप सामान तो बाद में ले आना। तो क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ मम्मी, आप मेरे लिए खाना लगा दो, और वो ही खाना लगाना जो आपने बनाया है, दाल चावल रोटी सब्जी और मेरा फेवरेट रायता। अच्छा बेटा, अब आपको इसका मतलब समझ आ गया कि हमें भोजन सही समय पर और उचित पोषक तत्व वाला ही भोजन करना चाहिए। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ आ गया कि हमें उचित पोषक तत्व वाला ही। तो बच्चों, आन्या को तो समझ में आ गया, क्या आपको भी समझ में आया? क्या कहा? आ गया। तो हाँ बच्चों, अब आप भी सही समय पर और उचित पोषक तत्व वाला ही भोजन करें, और हाँ इस शीट का अभ्यास करें। शीट में दिए गए अभ्यास कार्य को करें, और पिछली शीट के उत्तर भी यहाँ दिए गए हैं, उनको अपने कार्य से मिलान करें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।